जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात के अहमदाबाद तथा जामनगर एआरओ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर से अहमदाबाद एआरओ तथा 20 अक्टूबर से जामनगर एआरओ की भर्ती है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड है वो जारी क्यों नहीं किए गए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब स्टार्टिंग में आया था तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 22 सितंबर हो चुका है, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। तो इसको लेकर आज हम आपको कंप्लीट है डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपके एडमिट कार्ड है वो कब जारी किए जाएंगे, तो इसको लेकर आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल 21 सितंबर को काफी कैंडिडेट्स के मोबाइल पर मैसेज आ चुका है कि आपके एडमिट कार्ड है वो 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड का डेट है वो कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें किसी कारणवश 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। तो इसको लेकर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भर्ती से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड है वो 100% आ जाएंगे। बाकी जो मैसेज देखा है कल का, उस मैसेज को देखते हुए लग रहा है कि 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर करते रहें। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो एडमिट कार्ड का क्या करोगे? घर पे बैठ के एडमिट कार्ड आने से ये तो है नहीं कि आप में कोई अलग से एक एनर्जी आ जाएगी कि भाई एडमिट कार्ड आ गया अभी हम हवा में उड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर रखिए। आपका जो ग्राउंड टाइमिंग है वो कम से कम 5:30 से कम आना चाहिए। 5:30 से कम तो आपका टाइमिंग आना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो भी फिलहाल में भर्तियां चल रही है उसके अंदर 5:30 टाइम मिल रहा है, 5:25 टाइम मिल रहा है, कुछ बेंच है जिनमें 5:35 तक का भी टाइम दिया जा रहा है। तो 5:45 की तो संभावना नहीं है, कोई इंतजार ही मत करना कि 5:45 तक अपना आराम से क्लियर हो रहा है और हम रनिंग पास कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका टाइमिंग में सुधार नहीं हो रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कृष्णा डिफेंस एकेडमी, जिसमें 1 महीने का चार्ज रहेगा मात्र 6,000 रुपये, जिसमें रहना खाना दोनों टाइम फिजिकल क्लासेस सारी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बार बार हर वीडियो में बताता रहता हूँ और आज भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स है वो आपके 100% क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी भर्तियों के बारे में सुना है, देखा है अभी कि एक एक सिग्नेचर की वजह से बच्चों को भर्ती से बाहर कर दिया जा रहा है। एक सिग्नेचर किसी का भी हो सकता है, वो अपना मतलब जैसे पेरेंट्स के हो सकते हैं या कोई किसी स्कूल से या किसी संस्थान से, ठीक है। एक एक सिग्नेचर की वजह से बच्चों को भर्ती से डायरेक्ट आउट किया जा रहा है, उनको कोई चांस नहीं दिया जा रहा है कि 1-2 दिन का चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 साल से हमने भर्तियों का इंतजार किया और जो तैयारी की है, अब जो लास्ट टाइम है इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की वजह से भर्ती से आउट नहीं होने चाहिए। यदि रनिंग में आउट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में आउट हो रहे हैं, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए प्लस रनिंग। रनिंग है वो अपना 5-10 मिनट या 5:25 तक अपना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है वो आपको 100% तैयार कर लो, डॉक्यूमेंट्स और रनिंग। यदि रनिंग का तैयारी आप घर पे नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि कृष्णा डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर 400 मीटर का स्पेशल ट्रैक बनाया गया है और दोनों टाइम बढ़िया हार्ड फिजिकल वर्कआउट यहाँ पे करवाया जाता है। साथ ही साथ फिजिकल के साथ में आपको क्लासें भी यहाँ पे मिलेगी, प्लस रहने और खाने की अच्छी सुविधा भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और जैसे एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको एक नए वीडियो के द्वारा इसकी जानकारी है वो दे देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।